हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक अपना नया प्रोडक्ट जो एक्ज़ाल्टा के बैनर में हम लोगों ने तैयार किया है जिसका नाम है मिनी वेंटिलेटर, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट है मिनी वेंटिलेटर, इसका नाम मिनी वेंटिलेटर क्यों रखा है ये अपनी जगह पर है, क्योंकि वेंटिलेटर से रिलेटेड जो इन्वेसिव वेंटिलेटर होता है उसके कुछ फंक्शंस हम लोगों ने इसमें उठाए थे और कुछ इम्पोर्टेंट जो नॉर्मली एक होम रेस्क्यू सिस्टम के लिए, एक घर पर एक होम रेस्क्यू के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उससे रिलेटेड इसके अंदर कुछ फंक्शंस हम लोगों ने डाले हैं। अब चीज़ें डिपेंड करती है कि इसके जो एडवांटेज हैं और किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। इसमें तीन जो मेजर एडवांटेज हैं, पहला आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है, जो हम लोगों ने इसको क्लिनिकल रिसर्च में ट्राई किया और इसमें ट्रायल पर इसका जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, नॉर्मली 70 to 80-90 ऑक्सीजन अगर आपकी है और अगर आप 10 to 15 मिनट इसको लेके चल रहे हैं, इसकी इन्हेलेशन इसको कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं, तो ये 5K PSI प्रेशर पर ये करीब 10 से 10 to 15 मिनट में आपके ऑक्सीजन लेवल को 95 to 100 के बीच में लेके चला जाता है। ठीक है, दूसरा इसका जो सबसे मेजर जो एडवांटेज आया वो है कि ये इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन न्यूट्रलाइजेशन पावर है इसकी, तो ये क्या करता है कि जो आपके बॉडी की जो एसिडिक नेचर है उसको ये अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देता है। और नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर जो हम इनटेक करते हैं, नॉर्मली इनटेक तीन तरीके से होता है, या तो हम खाना खा के इनटेक लेते हैं, या फिर पानी के थ्रू, या फिर बाय एयर। अब देखिए, पानी के लिए बहुत सारी मशीन है, जैसे कैंजन वाटर 3.5 लाख रुपए की मशीन है, वो क्या करती है, वो पानी को आपका जो उसका ORP होता है वाटर का, उसमें वो माइनस में लेके जाती है और उसका जो pH वैल्यू है वो 7.5, 8.5, 10.5 तक लेके जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, बॉडी की बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। ऐसे ही आपके डिफरेंट आप जो दवाइयाँ वगैरह आपको डॉक्टर्स देते हैं कि आपकी बॉडी की जो लिवर फंक्शंस हैं, आपकी जो pH वैल्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे, अगर आप साबुन में देखते होंगे तो नॉर्मली गर्ल्स लेडीज़ के लिए जो शॉप्स वगैरह से जो ये सोप्स वगैरह जो आते हैं वो नॉर्मली pH बैलेंस वाले ही आते हैं, जैसे कि स्किन ख़राब ना हो, तो pH का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ में। उसी तरीके से जो हम अभी प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, इसमें क्या है, ये बाय एयर हमारी बॉडी को टॉक्सिटी कम कर रहा है, मतलब जो अपने बॉडी के जो OH- हो गए, हाइड्रोक्सिल आयंस हो गए, उनको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, तीसरा जो मेजर फंक्शन इस मशीन का जो निकल के आता है वो ये है कि जब हम हाइड्रोक्सिल आयंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, अपनी बॉडी का जो LUI फंक्शन है, LUI जो होते हैं जिसके थ्रू आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी अपने ब्लड सेल से क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो वो LUI का जो फंक्शन है उसको ये मॉडरेट करता है, उसको थोड़ा बूस्ट करता है। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन न्यूट्रलाइजेशन जो पावर होती है इसकी प्रेशर पे, एग्जैक्ट प्रेशर पर, तो उसके थ्रू क्या होता है कि अपनी बॉडी की जो ऑक्सीजन रिटेनिंग पावर है वो इंक्रीज़ होती है और बॉडी की जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होती है। तो इससे क्या है कि बॉडी में आपको बहुत स्मूथनेस लगेगी। मतलब अगर आप नॉर्मली न्यूट्रलाइट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, डेली आप ऑक्सीजन के लिए सुबह पार्क में जाते हैं, आप इस मशीन का भी 15 मिनट सुबह दोपहर शाम अगर यूज़ करते हैं तो आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत एक ट्रिमेंडस चेंजेस पाएंगे। आपको इतना बढ़िया महसूस होगा कि जस्ट लाइक आप कहीं किसी टाउन में किसी अच्छे पार्क वगैरह में आप टहल के आए हैं, क्योंकि बॉडी की जो आपकी ऑक्सीजन की वैल्यूज़ थी, आपकी जो बॉडी की जो टॉक्सिटी थी उसको इसने कम किया है। आप इसको घर में जो पेरेंट्स हैं, आप घर में आपके बच्चे हैं, आपके जो बुज़ुर्ग माता पिता हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कहीं पर भी मशीन, इसको कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। ऐसा नहीं है कि हम केवल जब बिल्कुल एट द एंड होगा, कंडीशन ख़राब होगी तभी हम एज ए वेंटिलेटर यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, तो इसलिए नहीं है कि इसका मल्टीपल यूज़ है। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के तरीके से हो गया, आपका एल्कलाइन, आपका ये हाइड्रोक्सिल आयन न्यूट्रलाइजेशन के तौर पे हो गया, आपका ये इन्वेसिव वेंटिलेटर के तरीके से जो CPAP जो मशीन्स होती हैं जो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करती हैं, उस तरीके से यूज़ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ आप कर सकते हो इस मशीन का। ठीक है, तो ये मशीन मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इसका जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप इंडिया की मशीन्स देखें तो मैक्सिमम मशीन जो हैं वो मेड इन चाइना वेस्ट या फिर बाहर की मशीन है। ये अपनी 100% मेड इन इंडिया मशीन है। इसमें अगर इंटरनल कंपोनेंट्स आप कोई भी आप देखेंगे, छोटा से छोटा कंपोनेंट, मतलब इवन उसका जो सिंगल जो सेल है जो हम लोगों ने यूज़ कर रखा है वो भी इंडियन है। और इसका जो ऑक्सीजन बनाने की जो जनरेशन मैकेनिज़्म है वो वाया एयर नहीं है, वो है वाया वाटर। तो ये नॉर्मली यूनिक बनाता है, जो मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू भी जब ये देता है तो 100% प्योर ऑक्सीजन आपको मिलती है। तो इसका इस लेवल पे इसके एडवांटेज आते हैं।